स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज हम सेकेंड सेमेस्टर ऑफ क्लास टेंथ का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये वीडियो आपका बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा। इसमें जस्ट हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि एपी होती क्या है, उसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होती है, एक सीक्वेंस होती है, जिसका मेन कंडीशन क्या होता है कि उनके कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होने चाहिए। ओके, तो अब हम सीखते हैं कि कॉमन डिफरेंस है क्या। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ओके, सो लेट्स टेक अ एग्जांपल। मैंने एक सीरीज ले ली है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 3। ठीक है, सेकेंड टर्म इज 8 एंड 30। अब कॉमन डिफरेंस पता करते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमेशा हम उसकी प्रीसीडिंग टर्म से पता करते हैं, उन दोनों टर्म का डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जैसे 8 माइनस 3 इज 5, 13 माइनस 8 इज 5। तो इट मीन्स ये क्या है, एक एपी है। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, इक्वल हो गया, राइट? तो इस एपी में जो हमने टर्म्स पढ़ी है अभी, वो पढ़ी है कि फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन सेकेंड टर्म इज A2 एंड A3, और इसी तरह से इसकी आगे आगे वाले टर्म्स को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते जाएंगे, राइट? तो अब कॉमन डिफरेंस क्या था? कॉमन डिफरेंस था 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस। ओके, तो यहां पे हमने कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया है, A2 माइनस A1 से, राइट? तो आपको हमेशा पीछे वाली टर्म को पहले रखना है, इस टर्म से प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस हमें देखना होता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका बहुत सारे क्वेश्चन में नेगेटिव भी आ जाता है, राइट? अब इस क्वेश्चन में अब एपी हम कहाँ यूज कर सकते हैं, लाइक हमें हम ये टॉपिक में है क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है, अगर आपको एक सीक्वेंस मिल गई है तो आप इस सीक्वेंस में आने वाली कोई भी टर्म को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ कि बताओ इसके 4th place की टर्म क्या होगी, 5th place की टर्म क्या होगी, 70th place की टर्म क्या होगी। तो हम इनमें से कोई भी टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो आपकी A2 टर्म है ना, उसको आप कैसे लिख सकते हो? आप उसको लिख सकते हो कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, राइट? तो आपका A2 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँ A3 आप कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट टर्म में 2 टाइम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, राइट? इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं A7 बताओ कि क्या होगा, 7th place पर क्या वैल्यू होगी, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट टर्म में 6 बार कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, राइट? तो इससे ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूला को हम क्या लिखते हैं, किसी भी n टर्म की वैल्यू अगर आपको पता करनी हो, किसी भी nth टर्म की वैल्यू पता करनी हो, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 into d, राइट? तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को ऐड कर दिया। जितने भी नंबर आपको पता करने हैं, 8 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, कोई भी नंबर आपको पता करना, आप उससे 1 डिडक्ट करोगे, देन मल्टीप्लाई बाय डी, उतने ही कॉमन डिफरेंस को आप फर्स्ट टर्म में ऐड कर दोगे। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछ रही हूं कि बताओ A19 कितना होगा, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला पुट कर दो या ये चीज लग दो, दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, या आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो इसमें, या फिर इन दोनों में से कुछ भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। तो फर्स्ट टर्म प्लस n-1 into d, या फिर फर्स्ट टर्म प्लस 18d, दोनों सेम चीज है। n इज योर 19, 19-1 इज 18, 18 into d, सेम हो जाएगा। ओके, तो अब फर्स्ट टर्म हमारी है 3 प्लस n इज 19-1 into d, इसको सॉल्व कर लेंगे, कॉमन डिफरेंसेस 5 हम कैलकुलेट कर चुके थे, तो इट मींस आपकी जो इस एपी की 19th place पर वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 93 होगी। ओके, अब जैसे हमने 19 टर्म पता की है, ठीक है, उसी फॉर्मूला से ही, अब अगर आपको एक एपी की आगे की कोई भी टर्म वो लिखते, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता वो टर्म कौन सी प्लेस पर है, 19th place पर है, 20th place पे है, 25th place पे है, हमें उसके बारे में नहीं पता, और हमें उसका प्लेस पता करना है, हमें उसका नंबर पता करना है कि वो कौन सी प्लेस पर है, राइट?
तो हम इसी सेम फॉर्मूला से ही वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, अब आगे आगे ये चलती जाएगी, इसकी टर्म मेरे को पता करनी है। तो मतलब ये कोई आपको वैल्यू दी हुई है, कोई वैल्यू दी हुई है। ये वैल्यूज हम प्रेजेंट करते हैं ना a1, a2, a3 से, तो ये भी कोई a दिया हुआ है आपको, लेकिन हमें इसका नंबर नहीं पता ये कौन सा नंबर दिया हुआ है। ओके, तो हमने इसी का ही फॉर्मूला दिया है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां से हम वैल्यू ही तो पता करते हैं, राइट? अब इस सीरीज में आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको वैल्यू दी हुई है, आपको इसका नंबर पता करना है कि ये कौन से नंबर पे है। ओके, बाकी सारा आपका सेम ही रहेगा। nth टर्म इज 358 इक्वल a इज 3 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है इंटू डी, डी इज 5, राइट? आप यहां से n इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, कर लेते हैं कैलकुलेट, प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड हो जाएगा, हमें एम कैलकुलेट करना है, तो 71 प्लस 1 72 प्लेस पर। इसका मतलब इस एपी में 358 72 प्लेस पर आता है। क्लियर है? ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट टू एक्सरसाइज है 5.1 एंड 5.2, वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट होनी है। ओके, तो अब ये इंट्रोडक्शन वीडियो सिर्फ इतना ही था। इसमें हमने सिर्फ 5.1 और 5.2 में हम क्या क्या टॉपिक्स करेंगे हमने वो कवर किया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।